सोलन शहर में बढ़ रहे यातायात के दबाव को देखते हुए नगर परिषद द्वारा पैदल चलने वाले लोगों की सहूलतों को लेकर सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर दबिश दी गई, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारियों सहित पुलिस की टीम भी थी। अतिक्रमण को हटाने की मुहिम सप्रून बाईपास से शुरू होकर पुराने बस अड्डे तक चलाई गई। मुहिम के तहत सड़क किनारे बिना लाइसेंस के रेडी वालों को हटाया गया, वहीं कुछ के चालान भी काटे गए। जैसे जैसे सरकार के आदेश और हमारे प्रशासन के आदेश होते हैं, वैसे वैसे हम बीच बीच में अतिक्रमण का अभियान छेड़ते हैं और हम आज से हम लगातार अभियान छेड़ेंगे और छेड़ा हुआ है हमने बाईपास से लेकर और आज ओल्ड बस स्टैंड तक है। इस तरीके से हम लगातार करते रहेंगे बीच बीच में जो लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनका सामान के लिए जब्त कर रहे हैं और उनका चालान भी कर रहे हैं, और जिसने गंदगी डाली हुई है आसपास में रेडी के आसपास और रेडी से आगे सामान फैला हुआ है उसका भी हम चालान कर रहे हैं, उसको वार्निंग भी दे रहे हैं और आगे से ये लगातार चलता रहेगा और ये इनको वार्निंग दे रहे हैं। आज चालान कर दिए, करीब 10-12 चालान कर दिए अभी तक और लगातार चला हुआ है, प्रोग्रेस चली हुई हमारी। तो क्या ये दुकानदारों पे भी होगा कि सिर्फ सभी पे, चाहे वो दुकान वाला हो चाहे वो रेडियो फड़ी वाला हो, कोई भी हो जो अतिक्रमण बाहर लगा रखा है सड़क पे लगा रखा है, और उसका सब ये का होगा चाहे वो दुकानदार हो या वो रेडियो फड़ी वाला हो, सबके लिए है ये।